हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत राय स्वागत करता हूं फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नई रेलवे के अपडेट के साथ। सावन में अगर आप देवघर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने सावन मेला में लगने वाली भीड़ को देखते हुए कई ट्रेनों के अतिरिक्त कोच लगाने का भी निर्णय लिया है। सावन को लेकर रेलवे ने खास तैयारी की है। खासकर देवघर व सुल्तानगंज जाने वाली ट्रेनों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के जल चढ़ाने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देवघर जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करते हुए देवघर को जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त ट्रेन की सेवा लेते हैं। रेलवे ने ऐसे लोगों के लिए इस बार खास व्यवस्था किया है। सावन में अगर आप देवघर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। रेलवे ने सावन मेला में लगने वाली भीड़ को देखते हुए कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने 22 जुलाई और 19 अगस्त के बीच यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए कुछ ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी का कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। इस संबंध में आसनसोल मंडल सूचना पदाधिकारी ने बताया कि 13021 और 13022 हावड़ा रक्सौल, हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, 13029/13030 हावड़ा मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस, 13185, 13186 सियालदेह जयनगर सियालदेह गंगा सागर एक्सप्रेस, सियालदेह बलिया सियालदेह एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की बात की है, ताकि सावन मेला के दौरान लोगों को रेल यात्रा में होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। सामान्य श्रेणी में लगती है काफ़ी भीड़, जिसमें काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। सावन मेले के दौरान ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। इस बार तो वैसे भी स्लीपर क्लास में वेटिंग टिकट से यात्रा करने पर रोक लगाए जाने के बाद सामान्य श्रेणी के डब्बे में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इसी को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है और इन सभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था दी जा रही है। मुख्य संपर्क अधिकारी ने बताया कि श्रावण मेला के दौरान लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसे देखते हुए कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। कई अतिरिक्त ट्रेनों को चलाया गया है तथा कई ट्रेनों में कोच को बढ़ाया गया है, तो कई ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। कई ट्रेनों के परिचालन का विस्तार भी कर दिया गया है। ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार। हर हर महादेव।